वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम मलिक आजाद फ्राम गवर्मेंट टू यू पी एस बच्चों आज हम एट इंग्लिश की एक पॉइम जो हमने पहले ही पढ़ी है पोइम नंबर सेवन रिंकल्स उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आप अपनी बुक का पेज नंबर सिक्सटी नाइन निकालेंगे सिक्सटी नाइन यहाँ पर जो है ये थिंकिंग अबाउट द प्वाइम इसमें सिक्स क्वेश्चन है इन्हीं के हमें आंसर लिखने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मैनी रिंकलर्स डज द प्वाइट फाइंड ऑन द मदर्स फेस तो प्वाइट अपनी माँ के फेस पर कितनी जूरिया देख रहा है तो जब इसने गिनना शुरू किया तो इसने देखा कि चार जूरिया हैं तो इसका आंसर ऐसे आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर द प्वाइट फाइंडस फोर रिंकल ऑन द मदर्स फेस प्वाइट ने चार जुरिया देखी अपने माँ की फेस पर चेहरे पर ठीक है और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ये जो फर्स्ट रिंकल है फर्स्ट जोरी जो थी ये क्या रिप्रेजेंट क्या दिखा रही है आंसर आएगा इसका दूसरे क्वेश्चन का द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट द मैरिज ऑफ दिस लेडी तो जब इसकी शादी होती है इसके माँ की उस वक्त ये जवान थी इस लेडी की फर्स्ट रिंकल दिखा रही है जब इसकी शादी होती है ठीक है द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट द मैरिज ऑफ दिस लेडी अब तीसरा क्वेश्चन जो है अपनी बुक पे आप देखेंगे वट डू द सेकेंड एंड द थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट सेकेंड रिंकल और थर्ड रिंकल क्या दिखा क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे द सेकेंड रिंकल रिप्रेजेंट द्वाइट लाइफ पीरियड इन हिज मदर्स होम जो सेकेंड रिंकल होती है वो क्या दिखा रही है जब ये पॉइंट अपनी माँ के पेट में था अपनी माँ के में था उस वक्त ये जो जुड़ी चढ़ती है इसकी माँ के चेहरे पे ये सेकेंड रिंकल होती है द सेकेंड रिंकल रिप्रेजेंट द प्वाइट लाइफ पीरियड इन हिज मदर्स वॉम यानी नौ महीने जब माँ के बतन में रहता है और तीसरे रिंकल क्या कहती है क्या बता रही है एंड द थर्ड रिंकल रिप्रजेंटस हिज बेबीहुड व्हेन ही सक्कड मिल्क फ्रॉम हिज मदर्स ब्रेस्ट वो थर्ड रिंकल क्या रिप्रेजेंट करती है हिज हुड उसका बचपन व्हेन ही उस वो बचपन जब ये सक चूसता है मिलिक दूध इसके सीने से अपनी माँ के सीने से दूध पीता है तो वो बेबीहुड उस वक्त थर्ड रिंकल आती है इसकी ठीक है और चौथा क्वेश्चन जो, जो यहाँ पर है वट इज द पॉइट सीकिंग अंडर द रिंकल्स ऑफ द मदर तो ये प्वाइट शायद क्या देख रहा है इन रिंकल्स के नीचे जो इसकी माँ के चेहरे पर रिंकल्स है उनके नीचे क्या देखता है ये द प्वाइट इज सीकिंग ए यंग अनमेरिड गर्ल तो प्वाइट क्या देख रहा है सीक कर, क्या कर रहा है ए यंग अनमेरिड गर्ल वो लड़की देख रहा है इन जुरियों से पहले कि अनमेरिड जब थी इसकी माँ इसकी शादी नहीं हुई थी एक जवान लड़की थी हु टू बी हैप्पी जो खुश रहती थी अंडर द ऑफ रि मदर अपनी माँ की जूरियो के नीचे क्या देखता है यंग अनमेरिड गर्ल हु यूज टू बी हैप्पी जो हमेशा खुश रहती थी पांचवा क्वेश्चन है इसका वट आर द एक्टिविटीज द पोवाइट मदर यूज टू डू मैं शी वॉज अ गर्ल तो जब शादी से पहले जब ये जवान लड़की थी तो उस वक़्त क्या करती थी पोइट्स मदर आंसर द पॉइट मदर यूज टू सेलिब्रेट राधे फेस्टिवल विथ फॉन्डनेस ये पोइट की मदर माँ जो होती है ये खुशी खुशी क्या सेलिब्रेट मनाती थी, थी राधे फेस्टिवल राधे व त्योहार एंड गो टू तवी और तवी द्रिया पे जाती थी टू तो इमर्स राधे सीलिंग्स वहां पर वो इमर्स करती थी वेट करती थी बीग बीगती थी वो राधे सीडलिंग्स को बीचों को एंड बाथ चूरिंग नवरात्रा फेस्टिवल वो नवरात्रा फेस्टिवल में वहां पर उसमें बाथ नहाती थी वेन शी वॉज ए गर्ल जब वो छोटी लड़की होती है जब वो छोटी लड़की होती है फिर फुल साफ आएगा शी वुड ऑल्सो प्ले हॉप स्कॉच एंड पेबल्स और इन्होंने उन, क्या करती थी वो वो हॉप स्कॉच खेलती थी और पेबल्स खेलती थी ठीक है वो आपको पता है ये दो गेम से एक तो वो पथरुंग से खेलते हैं पेबल्स जिनको बोलते हैं दूसरा है हॉप जिसको आप कश्मीर में सजलोंग भी बोलते हैं ठीक है पेबल्स होते हैं जो टुर्प, इस अंदर ठीक है अब इसका क्वेश्चन जो है हाउ डज द पोयम एंड ये जो पोइम है ये किस तरह एंड होती है आंसर आएगा इसका द पोइम एंडस विद द डिजायर तो पोइम एंड कैसे होती है ये पॉइंट ख्वाश करता है एंड हिज रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट भी करता है टू हिज मदर अपनी माँ से टू बिकम द सेम यंग गर्ल व्हेन शी मेरी के आप उसी उस जवान लड़की जैसे बनो जो 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 आप शादी से पहले थी वैसे ही बन जाओ एक दिन के लिए मेरे लिए द एंड्स एंडस द पोइटस डिजायर एंड हिज रिक्वेस्ट टू हिज मदर टू बिकम द सेम यंग गर्ल व्हेन शी वाज अनमैरिड ठीक है बच्चों तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे इनशाला इससे आगे हम कल पढ़ेंगे खुदा हाफिज